सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप सब लोग पधारे और आप लोगों ने जिस तरह से मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बताया कि आने वाले समय में जो भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नागौर आने वाले हैं। देखिए, पिछले पौने पाँच साल में जिस तरह से भाजपा सरकार ने जो सपने दिखाकर जो शासन किया था, पिछले दिनों कुचामन सिटी के पास में किसी किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि भाजपा सरकार ने उसके घर कर्ज से जब वो पीड़ित था उसके पास नोटिस भेजा, उसकी ज़मीन को कुर्क किया। तब हमारी पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी यहाँ पधारे, उन्होंने उसके परिवार को सांत्वना दी, सहारा दिया और कांग्रेस पार्टी के फंड से उसका कर्ज चुकाया गया। तो ज़मीनी स्तर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्टी का जो भाजपा पार्टी है उसका जनाधार घट चुका है। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला के वो एक बार फिर नागौर की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का नौजवान और किसान समझ चुका है कि भाजपा सरकार जिस रीति और नीति पे काम कर रही है और जो सपने दिखाकर जिन वादों के साथ ये सरकार में आई, 15 लाख युवाओं को रोज़गार, चाहे वो पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, लेकिन आज किसी भी मामले में वो धरातल पर नहीं है। जवान देश की सीमा पर शहीद हो रहा है, किसान खेत में आत्महत्या कर रहा है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और आने वाले समय में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ का जो जवान और किसान है वो मिलकर इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा और मतदान करके इसको जवाब देगा। ठीक है, और हाल किस रूप? देखिए, आने वाले 3 महीने बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें अगर बात करें नागौर की, तो आप लोगों ने देखा है कि पिछले पौने पाँच साल में जो भाजपा सरकार का शासन रहा उससे यहाँ का नौजवान, किसान और आम वर्ग, 36 कौम परेशान है। और बात करें प्रोफेसर की, तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल में जिस तरह से भाजपा के जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं, उन्होंने नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है, यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और जो व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताएँ होती है, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, कृषि की हो, आज उन सब चीज़ों में प्रोफेसर पिछड़ा हुआ है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रोफेसर का नौजवान, किसान और पूरी 36 कौम मिलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ लगेंगे और इनको करारा जवाब देंगे।